भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया कर दिया गया ऐलान। साथ में अजिंक्य रहाणे को उपकप्तानी से हटाकर किसे बनाया गया है उपकप्तान, और वनडे में विराट कोहली को कप्तानी से हटाकर किसे मिली है कमान, हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे पूरी जानकारी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए आखिरकार टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कप्तान विराट कोहली होंगे और उपकप्तानी में अजिंक्य रहाणे को हटाकर रोहित शर्मा को उपकप्तानी की कमान सौंप दी गई है। इसी के साथ केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल किया गया है। वहीं अजिंक्य रहाणे को भी टीम में मौका दिया गया है। श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी भी टीम में शामिल किए गए हैं। विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा को टीम में शामिल किया गया है। वहीं स्पिनर की कमान आर अश्विन और ऑलराउंडर के रूप में जयंत यादव को मौका दिया गया है। वहीं फास्ट बॉलिंग में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह के साथ ही शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। बीसीसीआई की ओर से जारी की गई लिस्ट में स्टैंड बाई प्लेयर्स के रूप में नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, दीपक चहर, अरजान नगावसाला को रखा गया है। इन सभी के साथ एक बहुत ही बड़ी खबर है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के साथ 19 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज से कप्तान भारत का बदल जाएगा। बीसीसीआई ने विराट कोहली को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई के अधिकारी चाहते थे कि टी20 और वनडे में एक ही कप्तान रहे, इसलिए रोहित शर्मा को टी20 के बाद अब वनडे की भी कमान सौंप दी गई है। दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर भारतीय टीम के सिलेक्शन और रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी सौंपने के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इसे शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इन इंडिया को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।